बहस के नंबर वन शो ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज बड़ी बहस इस मुद्दे पर करनी जरूरी है कि क्या पाकिस्तान के दलाल अपनी हार का बदला अब कश्मीर के मासूम बच्चों से लेंगे। और शाम 6 बजे ताल ठोके स्पेशल एडिशन में देखिए क्या कर्नाटक के किसान लेंगे अपने आंसुओं का बदला। लेकिन ताल ठोक के बहस की शुरुआत कश्मीर से आई इस शर्मनाक, दर्दनाक, आप सबको परेशान करने वाली खबर से। अब तक पत्थरबाज क्या करते थे? आमतौर पर सेना और पुलिस पर निशाना साधते थे, आतंकवादियों को बचाते थे। जैसे ही सेना कहीं आतंकवादियों का एनकाउंटर शुरू करती, वैसे ही पत्थरबाज टोली बनाकर मौके पर पहुंच जाते और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करके आतंकियों को भागने में या भगाने में मदद करते थे। लेकिन आज इन पत्थरबाजों ने सारी सीमाएं लांघ दी, सारी हदें तोड़ दी। जिन कश्मीरियों की बात ये पत्थरबाज करते हैं ना, जिस इंसानियत की बात, जिस मानव अधिकार की बात ये पत्थरबाज करते हैं, उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। शोपियन में स्कूल जा रहे छोटे छोटे बच्चे उन पर पत्थर फेंकने लगे। दो मासूम इन पत्थरबाजों का निशाना बने, जिनमें से एक की हालत बहुत सीरियस है। छोटा सा मासूम सा बच्चा है वो। यही कश्मीरियत है क्या? पाकिस्तान के दलाल सुरक्षा बलों से पिटकर इतने हताश हो गए कि मासूमों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे? क्या इसी दिन के लिए जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इन हजारों पत्थरबाजों को माफी दे दी? क्या बच्चों को निशाना बनाने वाले इन्हीं लोगों को फारूक अब्दुल्ला फ्रीडम फाइटर बताते हैं? आज ताल ठोक के बहस इस मुद्दे पर और सवाल पूछेंगे। ये देखिए, ये मासूम बच्चों को कैसे निशाना बना रहे हैं, सोचिए इन बच्चों पर क्या गुजर रही होगी उस वक्त। सवाल ये है कि बच्चों पर पत्थरबाजी का पाकिस्तान ने से बदला कब हमें लेना? महबूबा की माफी के बदले मासूमों पर पत्थर चलाएंगे? मासूमों पर पत्थरबाजी ही कश्मीरियत है क्या? पाकिस्तान के दलाल अब कश्मीरी बच्चों के दुश्मन। और सवाल यह भी कि बच्चों को पत्थर मारने वालों के लिए जीप फॉर्मूला जरूरी है। जी हां, वही जीप फॉर्मूला जो पिछले साल मेजर लिटिल गोगोई ने अपनाया था। लेकिन बहस की मैं शुरुआत करूं उससे पहले देखिए हुआ। तो स्कूल बस जा रही थी, जोरा के आसपास पथराव हुआ है, तो उसी पथराव के जद में मेरा बच्चा भी आ गया और उस पर जो है पत्थर सर में लगा है। मैं तो यही कहूँगा कि ये स्कूल बच्चे हैं, ये तो हमारे पूरी इंसानियत के मतलब ये हुआ है खिलाफ। 9:25 पर ये अगल बगल के गांव के बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी, तब यहाँ कुछ स्टोन पेल्टर्स, कुछ मिस्क्रिएंट्स, उन्होंने इसको घेरा है और इस पर स्टोन पेल्टिंग की है। इसके जो शीशे थे वो बच्चों ने खोल रखे थे, सारे स्टोन अंदर गए, बच्चे बड़े मुश्किल से बचे हैं। लेकिन एक बच्चे को ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी हो गई है, उसको हेड इंजरी हुई है। स्टोन पेल्टर्स के पीछे टीम्स लगा दी गई हैं, बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी बामल लाई जाएगी। बहुत ही शर्मनाक है। और कल तीन बच्चे, यंग लड़के, उनको मिलिटेंट से मारने का काम किया। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये बिजली और इस किस्म की चीज़ों की ना इस्लाम कभी इजाज़त देता है और ना इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश है। ये बुनियादी तौर पर इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। कायरता का नमूना है जिस प्रकार मिलिटेंसी जो अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी, आज उसका खात्मा होता तो नजर आ रहा है। तो वो कभी कभी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। पंजाब में अपनी मिलिटेंसी देखी थी, जब अपने ही लोगों को मारना शुरू किया तो मिलिटेंसी उसके बाद खत्म हो गई थी। ये उसी की निशानी। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है उसी भाषा में जवाब देना जानता है। समझ
अमित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी के, बीजेपी केंद्र समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। डिबेट में हमारे साथ है डॉक्टर पात्रा, स्वागत है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ है, कारगिल युद्ध में कई मोर्चों पर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत नागर साहब राजनीतिक विश्लेषक है, किसानों से जुड़े मुद्दों पर 15 सालों से काम कर रहे हैं, गांधीवादी हैं। दुष्यंत नागर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनामुल नबी राजनीतिक विश्लेषक है, टीवी डिबेट्स में कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर राय रखते हैं, अलगाववादियों का समर्थन करते हैं, आपका भी स्वागत है। सुशील पंडित साहब आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जम्मू कश्मीर की राजनीति के जानकार है। यासिर रेशी नेता है पीडीपी के, जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य है, आपका भी स्वागत है यासिर साहब। और जीशान जावेद राणा जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय सचिव है, जम्मू में वकालत करते हैं। जीशान आपका भी स्वागत है। आप सबको शुरुआत में एक एक मिनट का मौका मिलेगा और इसीलिए सबसे पहले यासिर साहब आज सवाल मेरा आपसे है। महबूबा मुफ्ती ने पत्थरबाजों से केस वापस ले लिए, उन्हें माफ कर दिया, भटके हुए युवा उन्हें बताया, ये भटके हुए युवा हैं, इन्हें आप भटके हुए युवा कहेंगे जो हमारे देश के मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चों पर पत्थरबाजी करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी? मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो यासिर साहब, मेरा सवाल आपसे था, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ मैंने सुना, सुना है मैंने। अब आप आज मैं आपसे एक मिनट इसके बदले अगर दो सेकंड ज़्यादा भी हुए पूछ बात सुन लेना। आज बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के ऊपर भी है, जो हम बार बार कह रहे हैं, हर आप कोई कुछ चैनल वाले या कुछ वहाँ पर स्टूडियो में बैठ के ये समझते हैं पूरे कश्मीरी टेररिस्ट है या पूरे कश्मीरी। आज आपको पता चलना चाहिए, जो हम बार बार कह रहे हैं यहाँ पर जो जान दे रहे हैं जेके पुलिस के, वो भी कश्मीरी हैं। जो भी पाकिस्तान से बंदूक आ रहा है, बाहर से बंदूक आ रहा है, वो यहाँ पर सबसे पहले अगर निशाना बन गया तो वो कश्मीरी बन गया। अगर सबसे पहले किसी की जान जा रही है, सबसे पहले कश्मीर के लोगों की जान रहे, फिर पूरे दिल्ली जो मुंबई या बाकी उन पे खतरा है। आज ये बिल्कुल सामने वही बात आप कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। अब रही बात आप स्टून पेल्टिंग जो उनको वापस देने की बात, हम हर वो कोशिश करने के लिए तैयार है जो सख्ती हम पिछले 30 सालों से झेल रहे हैं, चाहे हमें किसी को केस वापस लेना हो या माफी मांगनी हो, चाहे किसी के दरवाजे पे जाना हो या झोली फैलानी जानी लेके जाना हो, क्योंकि मर रहा है जम्मू कश्मीर का इंसान, मर रहा है। एक सेकेंड, एक तो यही जो आपकी फिलॉसफी और यही जो आपकी आइडियोलॉजी है ना, वही पत्थरबाज क्रिएट करती है, वही आतंकवादी क्रिएट करती है। यासिर साहब आप हिंदुस्तानी पहले है, दूसरे नंबर पर हिंदुस्तानी है, तीसरे नंबर पर भी हिंदुस्तानी है। ये आपकी जो झूठी कश्मीरियत की लड़ाई है उसे बिल्कुल आप साइड में रख दीजिए। आज मासूम बच्चों पर भी आप राजनीति करने बैठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं हम हर फॉर्मूला अपना रहे हैं, यू आर रॉन्ग। भटके हुए वो युवा नहीं है, वो पत्थरबाज नहीं है, भटके हुए आप लोगों जिनको समझ में नहीं आ रहा है। हमें पता है, मैं एक बच्चे की माँ हूं और मुझे पता है कि मेरे बच्चे पर अगर पत्थर पड़ेगा तो क्या हालत होगी उस माँ की जो इस वक्त कश्मीर में बैठी है। डू नॉट ट्राई टू डिविएट फ्रॉम द टॉपिक मिस्टर यासिर। संबित पात्रा कीजिए ना माफ और पत्थरबाजों को, आप कीजिए कीजिए। पहले सुरक्षा बलों को पत्थर मार रहे थे, अब मासूम बच्चों को पत्थर मार रहे हैं, फिर औरतों को बाहर निकालकर पत्थर मारेंगे। कीजिए और माफ इन पत्थरबाजों को आप। रूबिका जी, आपका जो प्रश्न है वो जायज है और आपका आक्रोश ना केवल एक माँ होने के नाते मगर एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते आपका जो ये आक्रोश है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। और मैं आपकी बात से अपने शब्दों को मिलाता हूँ और कहता हूँ कि इन पत्थरबाजों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करना चाहिए, भले ही जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार क्यों ना हो। मगर मैं, क्योंकि हम लोग सरकार में है, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मगर मैं आपकी बात से और हामी से हाँ मिलाते हुए कि इनको माफ नहीं करना चाहिए। सख्त से सख्त बच्चों के आप सर फोड़ दोगे, उनके जान को आप जोखिम में डाल दोगे, ये किस तरह की लड़ाई है? ये आप कोई आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हो? नन्हे मुन्ने बच्चों को मार के कोई आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं हो सकती है। देखिए, जहां तक महबूबा मुफ्ती जी का माफी वाला जो सवाल आपने पूछा है, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो फर्स्ट टाइम स्टोन पेल्टर्स थे, जिन्होंने पहली बार स्टोन पेल्टिंग किया था, 11,500 लोगों में से 4,500 लोगों को से 9,000 तक ऑलमोस्ट उनको क्षमा दिया गया था, ताकि वो लोग
अगर ताकि वो लोग इन बच्चों को पत्थर मार सके, ताकि वो लोग कश्मीरियत के इस पूरे के पूरे झूठे प्रोपेगेंडा, आज तो कोई डिबेट ही नहीं बनती है, आज क्लियर हो गया है, पाकिस्तान से पैसा लेकर आप बच्चों को निशाना बनाएंगे, आप उन लोगों को निशाना बनाएंगे जो आपको बचाते हैं बच्चों की तरह, सुशील पंडित, क्लियर हो गया, आज एकदम क्लियर हो गया, ये आजादी की जंग लड़ रहे हैं, ये मानव अधिकार की जंग लड़ रहे हैं बुज़दिल कहीं के। रूबिका जी, ये तहरीक कश्मीर की एक पूरी की पूरी नस्ल को तबाह करने जा रही है। इस वक्त कश्मीर में दो तरह के बच्चे हैं जिन्हें आप अगर बच्चा कहना चाहें, एक वो जिन्होंने अपने स्कूलों को आग लगा दी है, जिन्होंने अपना भविष्य तार तार कर दिया है, जिन्होंने अपने मुस्तकबिल को आग में झोंक दिया है, और एक वो है जो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए आज भी जहाँ तहाँ मौका मिलता है स्कूल जाते हैं। अब जिन बच्चों ने सब कुछ ताक पे रख दिया है, सब कुछ भाड़ में झोंक दिया है, उनको ये नहीं सुहाएगा कि कुछ बच्चे फिर भी स्कूल जाएं, तो वो उनको भी आज निशाना बनाने पर आमादा हो गए हैं। ये है सच्चाई कश्मीर की तहरीक की, ये है सच्चाई वहां पर दीन की खिदमत में कुर्बानियां पेश करने की। इस तरह की कुर्बानियां पेश की जा रही हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को आड़ में लेकर के आप वहां आजादी की तहरीक चलाना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और इस तरह की तहरीक को, इस तरह की तहरीक को। कितनी वाजिब बात बोली है मेजर जनरल सिन्हा, ये बच्चों की आड़ में किनको बचा रहे हैं, उन आतंकवादियों को जिनको मरने के बाद जन्नत नसीब हो, ये हाथ उठा उठा के दुआएं की जाती है। रूबिका जी, जो आपने बात बताई और जो सुशील पंडित जी कह रहे हैं वो इतनी सटीक बैठती है कि लोग जो कहनी और कथनी में अंतर दिखाई देता है जम्मू कश्मीर में, जो विरोधाभास दिखाई देता है, जो पत्थरबाज, जो उन्होंने रेनबो इंटरनेशनल स्कूल के मासूम बच्चे 50 बच्चों से भरी बस में पथराव करके बंद के सपोर्ट में जो ये दुष्कर्म किया है, ये तो केवल हम इसको ये किसी बातों से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको करनी के कथनी करनी पड़ेगी। वही जो आपने कहा जीप के एंड के जीप के ऊपर, या जो मेजर गोगोई और मेजर जो सोफिया के अंदर जो एक्शन किया गया था वो करना पड़ेगा। ये एक्सटेंशन है पाकिस्तान के उस हाथ का जो कुछ भी करने के लिए रोक रही है, कभी भी नॉर्मल सिचुएशन नहीं आने देगी, जो विरोधाभास पैदा किया जा रहा है। और ये कहते हैं ना, ये हमारे बच्चे हैं, ये इनोसेंट हैं, ये आक्रोश पैदा कर रहे हैं, ये आक्रोश नहीं, देश को बांटने की काम कर रहे हैं, बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जीशान जावेद राणा, बहुत सारे ऐसे कश्मीरी हैं जो यहाँ ट्विटर पर, टाइमलाइन पर, ट्विटर की साफ तौर पर ये लिख रहे हैं कि ये झूठी आजादी की लड़ाई है, ये इनके पॉकेट भरने की लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरना चाहते हैं पाकिस्तानी पैसों से और कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठी कश्मीरियां, झूठी इंसानियत, इसका इसकी आड़ में ये बर्बाद कर देना चाहते हैं देश को। लेकिन सपोर्ट तो आपसे मिल जाता है, फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं फारूक अब्दुल्ला इनको। देखिए, मैं सबसे पहले तो कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत करता हूं जो आज इंसिडेंट हुआ है शोपियां में बच्चों पे, और साथ ही साथ ये भी सुनने में आया है कि शोपियां में ही एमएलए साहब के घर पे पेट्रोल बम से हमला होता है, 3 दिन पहले टूरिस्ट पे अटैक होता है जहां पे 3 लोग शहीद हो जाते हैं। तो मैं ये यहां पे ये कहना चाहता हूं कि ये स्टोन पेल्टर्स जो हैं इनको बनाया किसने, 2010 में जब यहाँ कश्मीर में जो 2010 में इंसिडेंट हुआ था जिसमें 120 लोग मारे गए थे, मैं आपको यहाँ इस चैनल के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि 2010 में पीडीपी ने उन लोगों को हायर किया और आज वही लोग जो है वही लोग जो हैं आज पीडीपी को जो है वो उनके नाक में जो है दम किया हुआ है, इन्हीं लोगों ने इनको बढ़ावा दिया और आज इन्हीं लोगों को उनके नाक का जो है उनको दम किया गया हुआ है। और उनको 2018 में महबूबा जी है जो है एमनेस्टी देती हैं, 9000 करीब के लोग जो बच्चे हैं 9715 लोगों को जो है एमनेस्टी ग्रांट करते हैं और उनको जो है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को फ्री करते हैं। मैं ये तो उनको बढ़ावा देने की बात की गई है, मैं समझता हूं कि हम जो है इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दैट इज व्हाट यू मीन, क्योंकि आप ही के फारूक अब्दुल्ला बार बार ये कहते हैं कि दे आर दी फ्रीडम फाइटर्स, भाई ये तो अपने 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 फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। आप कहां से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही है ना, मैं क्लियर कर दूं एक बार,
हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हमारे लीडर उमर साहब ने आज ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। अरे साहब, ट्वीट को रखिए जेब में। फारूक अब्दुल्ला जो ट्वीट किया है उसमें क्या कहा है, उमर साहब ने क्या कहा है? हम कड़े शब्दों में इसकी मजम्मत करते हैं, हम कड़े शब्दों में इसकी मजम्मत करते हैं जो आज इंसिडेंट हुआ है। और स्टोन पेल्टर्स को पीडीपी ने बनाया है, ये पीडीपी की क्रिएशन है। 2010 में पीडीपी ने स्टोन पेल्टर्स को बनाया है और आज इन्हीं लोगों ने इनके नाक में दम किया हुआ है। पीडीपी पैदा करें और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बीजेपी की सरकार है, यहाँ मोदी जी की सरकार है, उनको बड़ा करें। आप ऐसे इन लोगों का रख रखाव कर रहे हैं, ठीक है। इनामुल नबी भी हमारे साथ आ गए। इनामुल नबी, ये रहे आपके भटके हुए युवा, भटके हुए बच्चे, मासूम टॉफी ले जाते बच्चे, ना मर्द है बुजदिल है जो हमारे देश के बच्चों पर पत्थरबाजी करते हैं, ये आपके फ्रीडम फाइटर्स। देखिए, मैं अभी सुन रहा था, अगरचि मैं आपके स्टूडियो में नहीं था लेकिन मैं आपको सुन रहा था, और किस तरह आपके जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं वो बड़ा कंसर्न दिखा रहे हैं आज हमारे बच्चों के बारे में। आपने 1200 बच्चों को यहाँ पर अंदर किया, तब आपने तब आपके होंठों से उनके लिए हमदर्दी के अल्फाज क्यों नहीं निकले? हम यहाँ करते हैं, हम कंडेम करते हैं जो भी कुछ हुआ बच्चों पर, जो भी कुछ हुआ हम कंडेम करते हैं, लेकिन आपकी जबान क्यों बंद थी जब 1200 बच्चों पर आपने बंद पत्थर नहीं फेंकते? आए बड़े हमारे बच्चे कहने वाले आप, उनको आप लोगों ने मजबूर किया है। आए दिन जब आपने सिविलियंस को मारा, सिविलियंस को मारा, के दलाल नवी लैंग्वेज क्या आपके पास है ही नहीं, के दलाल लोगों को आपने मजबूर किया। मैं फिर से कहता हूँ, हम मजम्मत करते हैं, We condemn it, लेकिन आपकी जुबान पर ताला क्यों चढ़ा था जब यहाँ पर 1200 बच्चों को आप लोगों ने अंधा किया? आपकी जुबान पर ताला क्यों चढ़ा था? अरे पाकिस्तान के दलाल नवी इन भाईस इसको आप जस्टिफाई कर रहे हो? आज अचानक उन बच्चों को जो हमारे देश के बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, हमदर्दी कैसे हुई? ये नाटक करना बंद कर दो, जिन्होंने सोफिया के अंदर हम पत्थर बंद नहीं बंद की खोल दो कदम में से कम नहीं बोले, हम सुनना सुनना सुनते हैं नहीं बोल सकते। हाँ हाँ, देश में 29 करोड़ लोग गरीब हैं, आप लोगों की हमदर्दी के झूठे हमदर्दी कीजिए, खाना बंद कर दे। इस देश में, हिंदुस्तान में 29 करोड़ लोग गरीब है, हाथ में पत्थर उठा ले, हाँ सिस्टम पर पत्थरबाजी करने लग जाए? बेकार का लॉजिक है आपका, मसला है ही नहीं, इलॉजिकल, इलॉजिकल, इलॉजिकल। हम अपील करेंगे आपके माध्यम से, अपील करेंगे, आप अपील नहीं करते, आप भड़काते हैं। आप भी तो अपना वादा पूरा कर लीजिए, जो 1947 में आपने लाल चौक से लेकर अपनी पार्लियामेंट बदले हैं ना आगे बदलेंगे, किया था ठीक है सर, आपने तो हमारे साथ इसका मतलब ये नहीं है, आप पहले जवाब बताइए ना, फिर आप हमदर्दी दिखाइए, ये झूठी हमदर्दी दिखाना बंद कर दे। बच्चों पर पत्थर भी आपको नहीं बदल सकते हैं, तो आपको खुदा भी नहीं बदल सकता है, आपको खुदा भी नहीं बदल सकता है। दुष्यंत नगर, एक मिनट, आपने फेक एनकाउंटर भी दिखा है, हमने मच्छी का भी फेक एनकाउंटर दिखा है। सही तरीके से अपनी बात रखी और वस्तु स्थिति का आकलन करके जो विश्लेषण किया, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जब भी कश्मीर में हालात सामान्य होने की तरफ या विकास के कोई प्रोजेक्ट शुरू होने चालू होते हैं तो पाकिस्तान को उससे बड़ी समस्या होती है। और ये जो बच्चों के ऊपर अटैक, स्कूलों के ऊपर अटैक, अस्पतालों के ऊपर अटैक, ये पाकिस्तानी मॉडल है, ये पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर ही ये आज की घटना सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता संबित जी हैं, इनको शुरुआत करनी चाहिए ऐसे तत्वों के ऊपर कठोरतम कठोर कार्रवाई, कि इनकी रूह कांप जाए कि आगे से किसी नादान मासूम और हमारे बच्चों के ऊपर कोई पत्थर फेंकने की जरूरत ना कर सके, वो भी उसके बहकावे में आके, उसके टुकड़ों पे जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन, सरहद से पार जो एजेंसियां बैठी हैं उन तक उसकी आवाज जानी चाहिए, इसके ऊपर बिना समय गवाए कठोरतम कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। डिबेट्स ओपन, संबित पात्रा।
रूबिका जी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बातें यहाँ जरूर होना चाहिए जो जनता के लिए बहुत ग्रहणीय होगा और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए अभी कोई बता रहा है केंद्र में कितना वक्त दे दिया और कितना वक्त इनको जितना वक्त दिया है उन्होंने उस वक्त का दुरुपयोग किया है। चलिए आप लोग आपस में डिबेट कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप इनामुल नबी से डिबेट करवा लीजिए। रूबिका जी मैं सुशील पंडित से बात कर रही हूँ, संबित पात्रा थोड़ा वक्त आपको चाहिए, कितना और वक्त चाहिए? आज तो बच्चों बना दिया है, आज आपको आप हमदर्दी दिखाएंगे बच्चों को लगी है। इनामुल नबी आज आप कुछ भी बोलने लायक नहीं है, जब आप अपने बच्चों पर भी आतंकवादियों को सपोर्ट करने लगे, इट्स अ शेम ऑन यू, इट्स अ शेम ऑन यू। और कोई शब्द नहीं है आपको डिफाइन करने के लिए, बस आप तो हमारे बच्चों से डरते हो, बहुत मोटी चमड़ी, आपको हमारे बच्चों से डर लगता है, आप तो अंधा करते हो उन बिचारों को, बिचारों को जो बंकर पर जाकर के पेट्रोल बम फेंकते हैं, जो तेजाब की बोतलें फेंकते हैं। मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, तो हर बार कहता हूं आप लोग मानती नहीं है, मुझे ये मजबूरी समझ में नहीं आता है कि आप इनामुल नबी को बच्चा कहते हैं, एक घंटे बच्चे सेपरेटिज्म के आइडिया को क्यों प्रमोट करती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आता। आप जेल में बंद, मुझे ये समझ में नहीं आता, गद्दारों को इन्वाइट करो, खुला छोड़ा हुआ, आप बंद कीजिए ना, आप अभी बंद करिए ना, बंद कीजिए ना, आप बंद कीजिए, आप अपना काम कीजिए ना, संबित पात्रा आप मुझे मेरा काम मत बताइए, क्यों टीवी चैनल पर प्रमोट करती है, मुझे मेरा काम मत बताइए, आपका जो काम है वो कीजिए, आप गलत कर रही है तो बिल्कुल बताऊंगा, एक्शन लीजिए, गद्दारों को बुलाकर यहां पर नॉन स्टॉप पूरा एक घंटा फिर कोई नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, दुरुस्त कीजिए, आप डिबेट कैसे चलना चाहिए वो मत बताइए मुझे। मेजर जनरल सिन्हा आपको अगर सरकार का विषय चाहिए आपको सरकार का वर्षन नहीं चाहिए, रूबिका लियाकत खान को इनामुल नबी का वर्षन चाहिए। उनको जाने नहीं दिया गया, बारामूला के अंदर तीन युवा का मसरेआम लश्करे तोयबा ने काट दिया, मार दिया, और आज देखिए मासूम बच्चों के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। मेजर जनरल सिन्हा आपसे बात कर रहे हैं, मेजर जनरल सिन्हा संबित पात्रा आपसे बात कर रहे हैं, आज जवाब दीजिए, आज जवाब देने का देना आपको। सत्ताधारी स्टेट में आपकी पॉलिसी के अंदर में ये दिखना चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। 9,703 आप अगर चाहते हैं कि मैं जवाब दूं तो आप मुझे वक्त दीजिए, मैं जवाब देता हूं। देखिए जो भी बैठे हैं सत्ताधारी, जो भी बैठे हैं, ये जवाब आज देना पड़ेगा कि कैसे 9,703 पत्थरबाजों की केस वापस ली गई है। आप कहते हैं 4,000 बिल्कुल के अंदर में केस वापस हुआ, जवाब देता है, वही पत्थरबाज है जो मासूमों की जान लेने के लिए तैयार है, वो तो बच गए, नहीं तो जिस तरह से आज वहां पर ना वो मेजर आदित्य का लिंचिंग हो रहा था, जैसे जेएसयू का एफआईआर दर्ज करवाएंगे, बच्चों का लिंचिंग करते नहीं, नहीं, मेजर गोगोई एफआईआर दर्ज करवाने में लोग आगे रहेंगे और पत्थरबाजों से एफआईआर वापस लेने में सबसे आगे यही रहेंगे। क्या आपकी सोच क्या है, लाइन और लेंथ क्या है, लाइन और लेंथ क्या है डॉक्टर पात्रा? ये पत्थरबाज सुनिए की नाक का बाल है। देखिए पहली बात एक सबसे बड़ी बात को एक्सेप्ट करना होगा, जो आप लोगों में से कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, देश भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जब तक अनटिल अनलेस यू कॉल अ स्पेड तब तक ये विषय आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप नहीं कहेंगे कि इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो इस्लामिस्ट्स हैं या एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये इस्लाम को बढ़ावा देने वाला और इस्लाम के नाम पर हो रहा आतंक है, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम में से कोई कह देगा तो आप लोग हमें रोक देंगे, हो गया शुरू हो गया सब लोग, आप लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर रोक देंगे हमें। सुन लीजिए मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मेजर जनरल साहब आपने मुझे सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। हर बार जब आपसे आपका काम क्या है, रूबिका जी एक्शन लिया, डॉक्टर पात्रा नाउ प्लीज लिसन टू मी, जब आपसे ये पूछा जाएगा आप कहेंगे देखिए प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आई एम रेडी टू टेल दैट प्रॉब्लम इसके पीछे इस्लामिक आतंकवाद है। अरे आपने पता लगा दिया है ना, है ना, आपने पता लगा दिया तो एक्शन लीजिए। समझा क्यों रहे दुनिया को इस्लामिक आतंकवाद है तो लीजिए ना, फिर तो सुन तो लीजिए डॉक्टर रूबिका जी, डॉक्टर पात्रा एक मिनट, आपने बिल्कुल रूबिका जी इस्लामिक आतंकवाद सुन के रूबिका लियाकत खान इतना परेशान क्यों हो जाए? डॉक्टर पात्रा इतना परेशान क्यों हो जाते हैं रूबिका जी? अगर मैंने सच बोल दिया तो आप परेशानी क्यों होती है? डॉक्टर पात्रा आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं?
आप इतनी परेशान क्यों है? परेशान किसको नहीं हो रहे हैं सुशील पंडित? आप परेशान मत होइए, मुझे पात्रा मैं बताता हूँ परेशान क्यों है। मैं बताता हूँ डॉक्टर पात्रा परेशान क्यों है। डॉक्टर पात्रा आपने बिल्कुल ठीक पहचाना बीमारी को। डॉक्टर साहब आपका डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपका डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपका डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका प्रेस्क्रिप्शन क्या है? आपका प्रेस्क्रिप्शन है कि आपने कश्मीर में सत्ता इस्लामिस्ट को सौंप दी है। आपका डायग्नोसिस ठीक है, लेकिन आपका प्रेस्क्रिप्शन ये है कि आपने उसी जमात इस्लामी के फ्रंट संगठन पीडीपी को सत्ता दे दी है प्लेटर में रखकर, जो वहां के आतंकवादियों के जनाजे निकालती है सार्वजनिक रूप से, उनको माफी देती है, उनके घर जाकर मुआवजे देती है। उन्होंने पूरे के पूरे राज्य को आपने इस्लामिस्ट के हाथ में सौंप दिया है। आपका डायग्नोसिस ठीक है, लेकिन आपका प्रेस्क्रिप्शन एकदम उलट है। आप बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। नहीं सुशील पंडित, आपके अध्यक्ष कहते हैं कि सांप और नेवला एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, कभी आता है सब समय ऐसा। कश्मीर में तो आपने सांप और नेवले की शादी करा दी है, वहां पीडीपी और बीजेपी सरकार चला रहे हैं। आप इस्लामिस्ट को सत्ता देते हैं प्लेटर पर रखकर। सुशील भाई मैं ये शर्मानी चाहिए, आपने पूरा का पूरा निजाम उनके हवाले कर दिया है। आप 50 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, 50 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए पंडित जी। हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, यही हमारा देश पॉलिसी की लड़ाई है। एक सेकंड, रूबिका में लियाकत ढूंढिए, सुशील में पंडित ढूंढिए, या दुष्यंत में नागा ढूंढिए, आप यही काम करते रहिए। और वो पत्थरबाज बच्चों को पत्थर नहीं ढूंढूंगा, बस यही काम करते रहिए। हम दोनों सदियों से लड़ते रहे हैं और आतंकवाद आगे बढ़ते रहे, आप समझती क्यों नहीं है? अरे तो आप रोकिए ना, आपका काम क्या है? सुशील पंडित को पीडीपी बचाएगा, सुशील पंडित को नेशनल कॉन्फ्रेंस बचाएगा, सुशील पंडित को बचाएगा, आरएसएस बचाएगी। याद रखिए मुझे उनके हवाले कर दिया है, यर्गमान कर दिया है। आपने जा सकते हैं, आप कांग्रेस के लिए एडवर्टाइजमेंट के पैसे ले सकते हैं, आपको बचाएगा तो बीजेपी बचाएगी। याद रखिए, तो बीजेपी के साथ क्यों है? करके कांग्रेस के फेवर में बोल सकते हैं, अगर बचाएगी तो बीजेपी बचाएगी आपको। यासिर ऋषि, जब डॉक्टर यासिर ऋषि आपको बचाएगी, लोग में तेल लिए सत्ता की ऐसी भूख, उम्मीद है आइडियोलॉजी आपकी मिलेगी नहीं, एक दूसरे को काटते डांटते रहेंगे लेकिन साथ रहेंगे। कांग्रेस का एडवर्टाइजमेंट यासिर ऋषि, बहुत उम्मीद थी साहब, बड़ा दिल तोड़ा है। जी जी जी, दिल तोड़ा है आपने। हेलो, आपने पीठ में छुरा घोंपा है। हेलो, बीजेपी को याद दिलाया, आवाज नहीं सुना यार, आवाज ही नहीं सुनती। यासिर ऋषि, यासिर ऋषि को मेरी कोई आवाज नहीं आ रही है। यासिर ऋषि मेरी आवाज पहुंच रही है? बताइए डॉक्टर पात्रा, ये कह रहे हैं बताइए बताइए। हेलो, पीडीपी ने पंडितों को वहां से कहीं ना कहीं भगाने में, उनको खदेड़ने में बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन आप लोग तो साथ में हैं, फिर क्यों साथ में हैं? किस वजह से? कौन सी सत्ता की भूख है? ना तो वो आपको मानते हैं, ना आप उनको मानते हैं, आप पत्थरबाजों के साथ हैं, बीजेपी पत्थरबाजों के अगेंस्ट है। अरे चल क्या रहा है? यही यार, ये यही चल रहा है जो आपको इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन आपको यह होनी चाहिए, पीडीपी जब बनी है ये 99 में बनी है, आपको यह भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब यहां पर 90s में बंदूक आया तब पीडीपी नहीं बनी थी, पीडीपी कश्मीर जम्मू कश्मीर की हालात ठीक करने के लिए बनी है। बीजेपी अगर हमें उसमें मदद करेगी तो हम इनके साथ साथ है। बीजेपी को अगर लग रहा है पीडीपी ने पंडितों को भगाया, तो इनको तो पता होना चाहिए पंडित कब भाग गए हैं।
पात्रा साहब को तो पता होना चाहिए कब आगे हैं, इसको तो पहले पता ही नहीं है कुछ, यहाँ की हिस्ट्री आपको पता ही नहीं है कुछ पता आपको, आपको यहाँ का न दर्द पता है न दुख पता है न परेशानी पता है, पहले पात्रा साहब को सुनना चाहिए बैठना चाहिए यहाँ पर मसला क्या है, आपको पता ही नहीं क्या मसला है यहाँ पर, ऐसे लोग इस डिबेट में आप बिठाते हो और फिर ये पिक्चर पेश करते हैं रात कह देंगे, रात को दिन कह देंगे, पीडीपी को बचाने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाएंगे, सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, आपका हिस्ट्री से कोई वास्ता नहीं, गणित ज्योग्राफी आपको पता नहीं करनी है, कश्मीर से तो आपका वैसे ही लेना देना नहीं है, और हिंदुस्तानी तो आपको समझ में भी नहीं आएगी, आपको अगर कोई चीज समझ में आती है तो वो है वोट, उसके लिए वो है वोट, उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी नहीं, हालात ठीक करने के लिए संबित पात्रा इनके हाथ से हालात ठीक हो गए। रूबिका जी सारे सवाल मेरे से है, मुझे 50 सेकंड दीजिए आप, पहले आपको ये पता होना चाहिए पीडीपी बनी कब, पीडीपी का मकसद क्या है, पीडीपी का मकसद है जम्मू कश्मीर, पीडीपी का मकसद है, पीडीपी का मकसद है कश्मीर पर राज करना, साम राम दंड भेद कुछ भी हो उस पर राज करना, बस वो मत सिखाइए हमको, समित पात्रा प्लीज, समित पात्रा अपनी बात खत्म कीजिए, बगैर हिंदू मुसलमान किए हुए, अगर आपको पता होता तो आप ये कहते ही नहीं, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा, आपके साथ ही बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए उसके बाद एक एक करके सब लोग, तो आप ही निपटाइए ना, पता नहीं हमें तो हाथ ही नहीं, तो उन चलिए मैं बोलता हूँ, पता होना चाहिए मैडम, देखिए रूबिका जी पहली बात तो है, अरे मैं एक सेकंड ऐसे चिल्लाएंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा एक दूसरे को, शांति से, एक बहुत गंभीर मसला है, इस पे बोलना आवश्यक है, एक सेकंड चलिए आप पहले इनसे बुलवा लीजिए, हालात को ठीक, वहाँ दिल्ली में भाषण देना बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर भाषण देना, हम भी आए हैं कश्मीर में, हमें भी पता लगता है, बस यही चीज है, देश के गृह मंत्री वो थे जिन्होंने पीडीपी के पास क्यों बैठे हुए हैं, उसकी बात है ये, इनामुल नबी की सोच कंटेजियस से मुझे नहीं पता थी, बात तो हमारी, आप दिल्ली में बैठे हुए आपको क्या पता पड़ता है, यहाँ जितने भी संबित पात्रा उड़ीसा से है, रूबिका लियाकत राजस्थान से है, दुष्यंत नागर यूपी से है, वो वहाँ कश्मीर से है, हम सब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम भारतीय पहले हैं, बांटने वालों की आवाज बंद करो रूबिका, संबित पात्रा, रूबिका जी पहली बात तो है, देखिए रूबिका जी आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, आपसे ज्यादा न्यूट्रल एंकर शायद ही देश में कोई होगा, सर आज तो आपने मुझे मुसलमान बता दिया, आज तो आपने मुझे मुसलमान बता दिया, सर्टिफिकेट ताल ठोक के आज संबित पात्रा ने दे दिया, क्योंकि संबित पात्रा के पास कोई और लॉजिक नहीं था कि कैसे डिफाइन करूं उसे, रूबिका बहन मैं लॉजिक देता हूँ, रूबिका जी अगर आपको ऐसा लगा तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, आपसे अच्छा एंकर, आपसे रिलीजियस न्यूट्रल एंकर वाकई देश में बहुत कम है, इसलिए आप मेरी बहन हैं और आप ये डिजर्व करती हैं कि आपको अगर आपको खराब लगा होगा तो मैं बोलता हूँ कि रूबिका लियाकत जी मुझे क्षमा करिएगा, ये अच्छी बात नहीं है, मगर आप मुझे 50 सेकंड सुन लीजिए, ये विषय बहुत गंभीर है, बड़े बड़े लोगों से हाईली नेशनलिस्ट, और सर हम सबको एक साथ हमारी भारतीय एकता को, दो बड़े लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, अगर कोई मजहब इसके आड़े आएगा संबित पात्रा वो मजहब भी नहीं रहेगा, और उस मजहब को गलत तौर तरीके से कोई रखने वाला होगा तो वो भी नहीं रहेगा, ये ताल ठोक के हर हिंदुस्तानी मानेगा, बिल्कुल ठीक बात, इसलिए रूबिका जी मेरा एक निवेदन है कि मुझे सिर्फ 50 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए, बड़ा गंभीर मसला है, आपने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं,
देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पत्थरबाजी के खिलाफ और इन जो पत्थरबाजों को तो मैं ओवरग्राउंड आतंकवादी कहता हूं, इन ओवरग्राउंड आतंकवादियों में से अगर 9000 आतंकवादियों को जिनको फर्स्ट टाइमर कहा गया उनको हमारी सरकार ने छोड़ा है, तो इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए और इनको एक सबक सिखाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इस्लामिस्ट एटीट्यूड था, देखिए ये बहुत दिनों से है। जाकिर मूसा ने कहा ना कि पत्थर फेंको आजादी के लिए नहीं, एक कलीफेट बनाने के लिए सीरिया की जैसे। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा? फारूक अब्दुल्ला ने कहा ये जो पत्थर फेंकते हैं, ये जो बच्चे हैं, ये इस्लाम के बच्चे हैं, ये आजादी इनका धर्म है। तो देखिए, इन लोगों ने इसे बढ़ावा दिया है, ये एक सोच है। इस सोच से बहुत बारीकी से निपटना होगा, सरकार किसी की भी हो। सुशील भाई ने मुझसे पूछा कि आप पीडीपी का साथ छोड़ दीजिए। चलिए एक सेकंड के लिए मैं बोलता हूं, सुशील भाई हमने पीडीपी का साथ छोड़ दिया, कोई ना कोई तो सरकार बनाएगा। सरकार कोई भी बनाए, मगर या तो पीडीपी उसमें रहेगी या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें रहेगा ही रहेगा। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां कश्मीर का वोटिंग पैटर्न ऐसा है। तब तक क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा सुशील भाई। जो मेजर गोगोई बच रहा था वो मेजर गोगोई बचेगा नहीं। सिन्हा साहब 10 सेकंड, आपने 50 सेकंड बोला हमारे समय। सिन्हा साहब 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड क्योंकि हम लोग रूलिंग पार्टी है, सारा सवाल हम पे है सर। आपने देख लिया, उम्मीद आपसे है सर। नहीं नहीं सर, उम्मीद कितना और टाइम देंगे? उम्मीद पर पत्थर पड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं फिरेगा, बिल्कुल नहीं फिरेगा, आप विश्वास रखिए। सर स्टूडियो में जब आई थी मैं सिर्फ एक माँ की सोच लेकर आई थी और मैं अंत भी ऐसे ही करने वाली हूँ। सर आप बच्चों को निशाना नहीं बना सकते हैं। किसी की इतनी औकात और हैसियत नहीं होनी चाहिए कि वो मासूम बच्चों को अपने आतंकवादियों को पूरा करने के लिए निशाना बनाए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए रूबिका जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। याद करिए, इसी अप्रैल 1 तारीख को 2018 को 13 आतंकवादी को इसी सरकार ने मार गिराया था, और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये जो कुलसित मानसिकता है कि पत्थर फेंकना है आजादी के नाम पर, इसको भी हम ऐसा जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, भले कोई पार्टी नाराज हो या कोई पार्टी नाराज नहीं हो, होगा ही होगा। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार से औरतों के ऊपर पत्थर फेंका जाएगा। कहनी और कथनी का मैं वेट करता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट अब देह का हाथ जो मजबूत करना चाहिए, मगर ये हमारा फर्ज बनता है जब आपके कहने और कथनी में दुर्दावास दिखाई देती है। आपने 9700 केस क्यों नहीं वापस लेते? क्यों नहीं आप डीजी सीआरपीएफ जो बांदीपुरा में जो हेड कलम किया गया उसके हॉट प्रस्यूट को क्यों रोका गया सर? आप क्यों नहीं उससे मांगते हो उसके पर? क्यों नहीं आप बारामूला में जो 3 युवक को मारा गया? जवाब देता सर। सर देखिए, समय निकल रहा है आपके हाथ से, आपके हाथ से समय निकल रहा है, आपको करना पड़ेगा। सुशील पंडित, जावेद राणा भी डिबेट में आना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी से। कह रहे हैं कि हम पीडीपी के साथ सरकार ना बनाए तो किसके साथ बनाए? मुझे आपके साथ आपके सरकार बनाने पर आपत्ति नहीं है, मुझे केवल दुख ये है कि आप इस सरकार में डोरमैट हो गए हैं। आपने कंप्लीट आत्मसमर्पण कर दिया है, आपने पीडीपी को खुली छूट दे दी है, वो बिना लगाम का घोड़ा है। आपके पास कोई नियंत्रण नहीं है इस सरकार में, आप केवल उसके किए हुए कामों पर अंधा ठप्पा लगाने के लिए बैठे हैं। मुझे इस बात से गुरेज है। ठीक है, जीशान जावेद राणा पहले अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं आती हूँ डॉक्टर पात्रा। जीशान राणा कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर पात्रा, आई एम कमिंग। देखिए, पिछले 4 साल से नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, आज डॉक्टर समित पात्रा पहली बार मैंने देखे हैं कि पहली बार किसी डिबेट में वो इतना बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से नरेंद्र मोदी साहब जो हैं बरसर इकतदार हैं। और मैं समित पात्रा जी से यहाँ पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर को लेकर पिछले 4 सालों में नरेंद्र मोदी जी की तरफ से क्या हुआ है? आप 4 सालों में 4 चीज़ें आप गिनवा दीजिए जो आपने कश्मीर के लिए की हूँ, सिवाय इसके कि आप लोगों को लड़ाते हैं, आप धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। आपने पिछले 4 सालों में सिर्फ लोगों को लड़ाने का और उनको मरवाने का काम किया है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं समित पात्रा जी, ऐसे डिबेट से कोई हल नहीं निकलने वाला जब तक हुकूमत हिंद जो है कश्मीर के मसले को लेकर सीरियस नहीं होगी। हमारे कायद डॉक्टर फारूक साहब ने यही कहा था कि ये कश्मीर का मसला है, ये कश्मीर का था पूरे देश का मामला है। हम देश के भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो है डिमांड करते हैं, हम कोई भी चीज जो ऐसे नहीं मांग करते जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। 1947 में जो हमें 1947 में यकीन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन है कि नहीं है? 1947 में जो स्टेटस हमें मिला है, अरे तो क्या 47 में आगे बढ़िए ना, वोट पार्लियामेंट में तो उसका हल क्या निकल रहा है, उसका हल क्या निकल रहा है? यहाँ हजारों के तादाद में लोग जो है मर रहे हैं, अरे हजारों के तादाद में 900 जो है वो मेरे देश के सोल्जर्स हैं, 50 लोग उन हजारों में 900 जो है वो मध्य प्रदेश राजस्थान वहां साउथ से आए मेरे देश के जवान हैं। व्हाट इज विद दिस कि हमारा मसला हमारे लोग भी अरे हिंदुस्तान का ये मसला है, लोग भी लाखों की तादाद में बच्चों को भी नहीं बख्शा है, यहां हमारे लाखों के देश के लोग मारे गए हैं, ये हमारे लोग हैं, ये यहां लाखों की तादाद में लोग मारे गए हैं, इसको बंटवारे की बात है। हमारा जो है हुकूमत हिंद जो है इस मसले को लेकर सीरियस नहीं, जरा बात बताओ यार, हिंद इस मसले को लेकर सीरियस नहीं है। एकदम मसला है कश्मीर के बारे में, आपसे आप जानना चाहता हूं, एक मिनट अपनी फ्रंटियर रेल बंद करो जरा, एक मिनट जीशान, शेख अब्दुल्ला ने 1975 में एक मुहाइदा किया था श्रीमती गांधी के साथ, तब तो 1947 की बात नहीं हुई थी, वो तो आपके बाबाए कौम है शेख अब्दुल्ला, भूल गए क्या 1975 में मुआयदा किया था बाबाए कौम ने, उन्होंने नहीं पूछा था जो हमें जो तब तो उन्होंने नहीं पूछा था 1947 के बारे में, हम उसी स्टेटस की बात करते हैं, 1947 का स्टेटस 1975 में क्यों नहीं पूछा उन्होंने जब मुआयदा किया था, जो हम 1975 में इंदिरा गांधी के साथ मुआयदा किया था तब 1947 मांगा था क्या, जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, आपने 1975 में जो एग्रीमेंट किया है डिमांड नहीं करते, 75 के एग्रीमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की कार्रवाई है, आप झूठ बोलते हैं, ये अंदरूनी नहीं है, ये बाहरी ताकतें इसको तोड़ रही हैं, ये लोग संबित पात्रा राणा जैसे लोग, ये संबित पात्रा जैसे लोग जो है जो वो नहीं चाहते कि इस रियासत का कोई भला हो, इस रियासत के लोग जो है अमन की जिंदगी बसर करते हैं। आप देख रहे हैं बेस ऑफ द थॉट, द आइडियोलॉजी इज सेम, कैसे डील करेंगे संबित पात्रा? तीनों की सोच, पार्टी अलग अलग हो सकती है, ख्यालात बिल्कुल एक सरीके है, चैनलाइज्ड, एब्सोल्युटली, क्या करेंगे, कैसे डील करेंगे, एब्सोल्युटली, ये बातें केवल बनाते हैं। रूबिका जी, इसे ध्यान से सुनिए, रूबिका, एक सेकंड सुनिए, अरे सब लोग सुन लीजिए प्लीज, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रूबिका जी ने पूछा। रूबिका जी बिल्कुल सही डायग्नोसिस किया कि दोनों, चाहे पीडीपी हो, आपने अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता से पूछा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, वो तो ऑटोनोमी की मांग कर रहे थे, और मैं यहाँ कान खोल के सुन ले, वो मैं यहाँ बिल्कुल धड़ल्ले से बोल रहा हूँ, राइट है ऑटोनोमी, हम किसी से आपसे कोई आपकी चीज नहीं मांगेंगे, आपको हमारा राइट है, ऑटोनोमी की बात नहीं मिलने वाले देशद्रोही नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख कर लेते हैं, सुन लीजिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अरे सुन लीजिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जीशान सुन लीजिए, चिल्लाइए मत डॉक्टर, यहाँ पत्थरबाजी बंद करिए, यहाँ पत्थरबाजी बंद करिए और ध्यान से सुनिए। देखिए पहली बात तो लिखित रूप में ले जाइए कि कोई ऑटोनोमी ऑटोनोमी आपको मिलने वाली नहीं है, बंद करिए चिल्लाना बंद करिए, सुनिए, मजबूर हुए हैं, अरे चुपचाप मैं सुनिए रूबिका जी, डॉक्टर पात्रा 20 सेकंड्स प्लीज, जब रूट ऑफ
रूट इशू पे जाना पड़ेगा और रूट इशू कहीं ना कहीं हमारी आपस की लड़ाई में जो तीसरा फोर्स है वो फायदा उठा रहा है। याद करिए कठुए वाले इंसिडेंट्स पे हाफिज सईद ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है कि पत्थरबाज चालू कर दो और फिर से इस प्रकार का माहौल बना दो। हमको इसका सलूशन पॉलिटिकली नहीं, हमको इसका सलूशन कहीं ना कहीं रिलीजियसली ढूंढना पड़ेगा। पॉलिटिकली नहीं तो फिर आपको वोट क्यों करना है? फिर आप नेता क्यों बने हुए हैं? फिर वहाँ पीडीपी के साथ क्यों सरकार बनाए हुए हैं? तो फिर वहाँ पर एनजीओ तैयार करके काम करना शुरू कर दीजिए, बंद भी तो करना पड़ेगा। That's not the way. अगर धार्मिक परेशानी का भी हल निकालना है तो वहाँ भी को निकालना होगा क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर। वहाबिज्म को आप रोकिए ना, कौन आपको ये करने से रोक रहा है? अगर पीडीपी है तो फिर आज आप एक्सपोज हो जाते हैं कि पीडीपी आपको वहाबिज्म के अगेंस्ट जाने से रोक रही है और वो भी इसलिए क्योंकि आपको भी सत्ता प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।